वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं भी अच्छे होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से हम छोटी सी खुशी आपके चेहरे पर लाने की कोशिश करेंगे नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो भी किस नॉलेज टॉपिक, बटरफ्लाई वाल। चलिए एडी कैनवस पॉइंट पे @0.5 बटरफ्लाई वाल का टॉपिक है। वाल से रिलेटेड 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये क्या है 0.1 गेट वाल, डिफरेंट टाइप वाल जब पड़े जो आपका बॉल वाल, 0.3 आप जब पढ़े तो आप पढ़े ग्लोब वाल, 0.4 पढ़े तो आप पढ़े डायफ्राम वाल, और आज पढ़ रहे हैं नंबर 5 बटरफ्लाई वाल। बटरफ्लाई वाल में क्या पढ़ेंगे, बटरफ्लाई वाल में हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज बटरफ्लाई वाल, व्हाई यूज बटरफ्लाई वाल, पार्ट्स ऑफ बटरफ्लाई वाल, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और लास्ट में पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बटरफ्लाई वाल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम, मैं आयुष मणि त्रिपाठी और आप आ चुके हैं आपके अपने प्यारे से चैनल एडी कैंपल पॉइंट। चलिए बटरफ्लाई वाल क्या होता है। बटरफ्लाई वाल एक सिंपल मैकेनिकल डिवाइस है। क्या है, एक एग्जैक्ट डिफिनेशन देखिए, नोट्स आपको मिलेगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अभी आप बस कंटेंट पे ध्यान दीजिए, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बटरफ्लाई वाल क्या है, बटरफ्लाई वाल एक मैकेनिकल डिवाइस है जो फ्लो को रेगुलाइज करने के लिए। रेगुलाइज मतलब क्या होता है, एक नया जब टर्म आता है, देखो सारे वर्ड को ना ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। रेगुलाइज क्या होता है, रेगुलाइज क्या होता है, रेगुलाइज मतलब फ्लो को कंट्रोल करना। मतलब अगर फ्लो आपका ज्यादा है तो उस फ्लो को हम थोड़ा कम कर दें, कम है तो थोड़ा ज्यादा कर दें। अगर 30% खुला है, सपोज दैट उस लाइन का, उस वाल का 30% हमने वाल बस खोल रखा है, उसको हम 50% कर दें। अगर हम 30% कम करना चाहते हैं तो 50% कर दें। आई बात समझ, मतलब फ्लो को रेगुलाइज कर सके किसके थ्रू, बटरफ्लाई वाल के थ्रू। आई बात, बटरफ्लाई वाल क्या है, बटरफ्लाई वाल एक मैकेनिकल डिवाइस है इसके थ्रू हम किसी फ्लूड को, किसी लिक्विड को, किसी गैस को, फ्लूड की जब बात करेंगे तो लिक्विड और गैस दोनों आ जाएगा, लिक्विड और फ्लूड दोनों आ जाएगा, गैस की अलग आपकी हो जाएगी। तो हम ऐसी मैकेनिकल डिवाइस जिससे फ्लूड को या गैस को कंट्रोल कर सके, रेगुलाइज कर सके, उसकी डायरेक्शंस को भी चेंज कर सके, क्या करें उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सके, ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं, ऐसे वाल को बोलते हैं बटरफ्लाई वाल। सब वाल की ये डिफिनेशन होती है, बटरफ्लाई वाल की भी सेम वही डिफिनेशन। आई बात ठीक है, ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक है व्हाई यूज बटरफ्लाई वाल, बटरफ्लाई वाल का यूज क्यों करते हैं, बटरफ्लाई वाल का यूज क्यों करते हैं। देखिए ये जाहिर सी बात है, जब मेरे पास गेट वाल था, जब मेरे पास ग्लोब वाल था, जब मेरे पास बॉल वाल था, जब मेरे पास डायफ्राम वाल था, तो फिर क्या जरूरत थी आपको बटरफ्लाई वाल पढ़ने की। तो इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी, नहीं देखे हैं, थोड़ी सी अगर नॉलेज है तो चलिए अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। आपका गेट वाल में आपने क्या देखा था, फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज। फिर हमारे इंजीनियरों ने क्या देखा, अगर फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज कर रहे हैं तो कुछ फ्लूड ऐसे हैं जो हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं, और अगर उन्हें हमें कंट्रोल करना है तो हमें कम वाल खोलना होगा, उस वाल को कम खोलना होगा, तो वहां पे ये फेल हो जा रहा था। आई बात समझ में, तो वहां पे हमारे इंजीनियरों ने क्या लाया, ग्लोब वाल लाया। ग्लोब वाल में क्या देखा गया, ठीक है वो फ्लो को कंट्रोल कर रहा था, रेगुलाइज भी कर रहा था, थ्रोटलिंग सर्विस के लिए भी था, मतलब वो कम और ज्यादा हो जा रहा था, लेकिन वहां पे ये देख रहे थे प्रेशर ड्रॉप ज्यादा हो रहा था। क्या हो रहा था, प्रेशर ड्रॉप ज्यादा हो रहा था। तो फिर ये बात डिस्कस वहां पे कॉन्सेप्ट पे। अब मुझे इंजीनियर ने क्या किया कि अब ऐसा कोई वाल है जो थ्रोटलिंग सर्विस के लिए मतलब कम और ज्यादा भी कर सके, और ऐसा वाल जो प्रेशर ड्रॉप भी कम हो, तो बाल वाल में तो ऐसा हो नहीं सकता, ये भी आपका फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज है। फिर डायफ्राम थोड़ा एटलीस्ट यूज किया, डायफ्राम आपका किया, लेकिन उससे बेहतर लाया गया आपका बटरफ्लाई वाल। ये कास्ट के मामले में भी डायफ्राम आपको पीछे छेड़ दिया, क्या हुआ, बटरफ्लाई वाल। अब आप समझेंगे यहां पर बटरफ्लाई वाल ने क्या किया, बटरफ्लाई वाल ने क्या किया, लो प्रेशर ड्राफ्ट, लो कास्ट, लो मेंटेनेंस चार्ज, क्विक ऑपरेशन, मतलब गेट वाल, ग्लोब वाल, बटरफ्लाई वाल, माफ करिए गेट वाल, ग्लोब वाल, बॉल वाल, डायफ्राम वाल कंपेयर में जल्दी ऑपरेट होगा, मतलब जल्दी ओपन कर सकते हैं, थ्रोटलिंग सर्विस के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, और लो प्रेशर ड्रॉप में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इस सारे वाल का यूज ना करके क्यों बटरफ्लाई वाल का यूज किया गया, बात समझ में आई। बटरफ्लाई वाल का यूज अन्य कंपेयर के तुलना में सबसे सस्ता होता है, मेंटेनेंस कास्ट भी उसका
अदर वाल कंपेयर में कम होता है, कम एरिया में भी सेम वाल के कंपेयर में बटरफ्लाई वाल कम स्पेस लेता है। ओके कॉन्सेप्ट क्लियर। अब है पार्ट्स ऑफ बटरफ्लाई वाल, तो इसके लिए चूंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है जो मैं आपको फिगर बना के दिखा सकूं, तो मैं नेट से फिगर ली है, प्रिंट आउट की है बटरफ्लाई वाल की, और वहीं पे हम चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ बटरफ्लाई वाल, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और कोशिश करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसी में कवर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पार्ट्स ऑफ बटरफ्लाई वाल। तो ये रहे आपके बटरफ्लाई वाल के पार्ट। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जैसे कि मैंने पेपर में गूगल के सहारे नोट डाउन करके प्रिंट आउट करके आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ये है आपका बटरफ्लाई वाल। देखिए बटरफ्लाई वाल के पार्ट तो बहुत सारे होते हैं, जैसा कि मैं आपको और दिखाऊं, ये चूंकि बेसिकली मेन मेन पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो जो कि आपका ये बटरफ्लाई वाल है तीनों, ये ओपन पोजिशन में है, मतलब इसका डिस्क खुला हुआ है। अभी मैं और डिटेल चर्चा करूंगा, ये क्लोज पोजिशन में, ठीक है। और ये पूरा आपका इंटरनल पार्ट का डिजाइन है। अब देखिए पार्ट की अगर बात करूँ, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए मैं थोड़ा इसको सही करके दिखाएं, यस शायद आपको दिख रहा होगा, जी बिल्कुल थोड़ा क्या है, हाँ ये देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट हैं। ये टॉप वाशर है, टॉप ये सबसे ऊपर जो लगा रहता है, जैसे कि यहाँ पे ये लगा रहता है आपका, ये इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, हैंडल लगा होता है, ये देखिए ये ऐसे हैंडल, ये जो आपको दिख रहा है ये हैंडल लगा होता है, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे लीवर लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया आपको लीवर। ये दोनों एक साथ हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, याद रखिए पहले बात कर ले, सबसे टॉप पे क्या होता है, हैंडल और लीवर, जिसको एक साथ ऐसे हम पुश करते हैं, ठीक है। जब हैंडल नहीं लगा होता है तो आपका व्हील लगा होता है, हैंड व्हील लगा होता है, या तो हैंड और लीवर लगा होगा, मतलब या तो ये लगा होगा हैंडल और उसके नीचे लीवर, दोनों को एक साथ पुश करके आप 90 एंगल पर ऑपरेट करोगे, ठीक है। और अगर ये नहीं लगा होगा तो आप ये लगाओगे, क्या, हैंड व्हील। तो देखिए डिफरेंट पार्ट आपको दिख रहे होंगे, ये सबका मैं एक बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले है आपका टॉप कैप, जो सबसे ऊपर लगा होता है और हैंड लीवर के ऊपर लगा रहता है, ठीक है ठीक है। फिर आपका टॉप एल्टन बोल्ट लगा होता है, जो उसको टाइट करके रखता है। उसके नीचे आपका जो दिख रहा है आपको हैंडल, जो जैसे मैंने बताया ही, हैंडल और लीवर एक साथ दोनों को हम पुश करते हैं, वो ओपन और क्लोज करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये रिवर वाशर, जो हैंडल और इसके बीच में जो गैस्केट का काम करता है, इन दोनों को जोड़ने का, ठीक है। याद रखिए इसको, ये जो है ना, ये ब्लैक ब्लॉक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टीम, जो आपका शाफ्ट बोलते हैं ना, इसको स्टीम भी बोलते हैं, ठीक है। स्टीम बोलते हैं STEM वाला, वो स्टीम नहीं जो बॉयलर से आता है, ठीक है। तो ये आप कन्फ्यूजन दूर आपको रखने का है, ठीक है। ओके ये हैंडल लॉक पिन, जो हैंडल को लॉक करके रखा है। देखिए पार्ट तो आपके डिफरेंट टाइप है, ये सब बटरफ्लाई वाल के, अगर मैं चर्चा करूँगा तो बहुत से लंबे हो जाएंगे। ये बॉडी है आपकी, ये अभी हम चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन अभी हम मुख्यतः जो बटरफ्लाई वाल के पार्ट होते हैं वो मुख्यतः आपके 4 से 5 होते हैं। कौन कौन से, वो यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए आपका मेन, ये आपका बॉडी, ये क्या है आपका बॉडी, जो आपका सपोज दैट अगर कोई लाइन है, क्या है, ऐसे कोई आपकी लाइन है, ठीक है। ओके ये दो लाइन है, इसके बीच में हमें वाल लगाना है, तो यही वाल जब हम उसके बीच में यहाँ इंटर करते हैं ना, यहाँ पे इस बीच में सेट करते हैं, तो इसी बॉडी पे, ये देख रहे ना, ये ऐसे बीच में जाके यहाँ पे सेट हो जाता है, ठीक है। और ये बॉडी और इसी फ्लैंज के सहारे हम बोल्ट पे, यहाँ पे फ्लैंज पे क्या करते हैं, नट बोल्टिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नट बोल्टिंग करते हैं। तो आई बात समझ में, बॉडी क्या होती है, इसके पार्ट को यानी ऊपरी भाग को हम पूरी, देखिए बॉडी किसी, जैसे आपके शरीर के ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर एक चीज़ का अपनी बॉडी होती है, तो बटरफ्लाई वाल की क्या है, ये पूरी बॉडी है, ठीक है। ओके और ये क्या है, फ्लैंज, फ्लैंज क्या होता है, ये दो पाइप को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे फ्लैंज लगा होगा, जिसके थ्रू हम बोल्टिंग करते हैं। आई बात समझ में, ये है आपका लाइन, ये बॉडी हो गया, फ्लैंज हो गया, ये है आपकी लाइनिंग। लाइनिंग क्या करती है, लाइनिंग एक रबड़ की तरह होती है, क्या होती है, रबड़ की तरह, आप गैसकेट भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, सीलिंग का काम करता है। मतलब दो फ्लैंज के थ्रू जब जोड़ेंगे आप लाइन में, किसको, बटरफ्लाई वाल को, तो बिल्कुल उसके थ्रू जब आप, जैसे कोई भी दो लाइन के बीच में जब आप क्या करते हो, जॉइंट करते हो, तो क्या होता है, एक गैसकेट लगाते हो, नहीं अक्सर इसको इंडस्ट्री में गैसकेट भी बोलते हैं, पैकिंग भी बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे लाइनिंग होता है, किसमें, बटरफ्लाई, ये किसका लगा होता है, रबड़ का, ये देखिए ये आपका लाइनिंग, ये रबड़ की तरह होता है, ऊपर चिपकाया जाता है, ठीक है। ओके अब आपका ये है क्या, डिस्क, इसको डिस्क बोलते हैं, ये जो अंदर का पार्ट है ना, जो मूव करता है, क्या करता है, ये देखिए ये है ना, ये जो मूव करता है, इसी को आप बोलते हो डिस्क, क्या बोलते हो, डिस्क, जो आपका
क्या होता है, ओपन होता है और क्लोज। जैसे ओपन होगा, देखो जब आप ये हैंडल और लीवर ऐसे दबा के 90 एंगल पर ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, ओपन। जैसे ये ओपन कंडीशन में बीच में ऐसे हो जाएगा और इसके आजू यानी अगल यहाँ से और बगल से अगल बगल से क्या होगा, फ्लूड आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। और यही जब 90 एंगल पर क्या करोगे, उसके वर्टिकली कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देखो हो गया है। ठीक है, आप डिस्क समझ गए क्या होता है। ये डिस्क भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप पार्ट के, मतलब इसकी कास्टिंग अलग अलग की जाती है, अलग अलग मटेरियल से मिलके बनाता है। ठीक है, हैंडविल आप देख गए, कभी कभी हैंडविल भी लगाया जाता है, कभी कभी आपका ये क्या बोलते हैं लीवर और उसके हैंडल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज आपको होने की बात नहीं है। ठीक है, ये आपका अलग है। जब हम कंट्रोल वाल्व की बात करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे ये क्या है, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, वो डिटेल जाने की बात है। तो आई बात, ये पिन होता है, ये क्या होता है, पिन। पिन क्या करता है, पिन जो होता है आपका, जब आपकी स्टीम लगी होती है ना, स्टीम उनको आप वहाँ पे दो पिनिंग की गई रहती है, किसके लिए, वो इसके लिए कि जब इसके ऊपर एक सीलिंग की गई रहती है उसको मजबूत, यानी ये जो आपका डिस्क है ना, ये ऐसे समझो ये आपका डिस्क है, तो इस डिस्क को इस पे किस पे, स्टीम पे यानी सॉफ्ट पे पिन करने के लिए यानी टाइट करने के लिए, कसने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है। यानी क्या बोल सकते हैं, डिस्क को कसने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ती है, पिन की। इसमें सीलिंग लगी होती है, देखिए जो मैं बोला था ना स्टीम, इसको क्या बोलते हैं, पूरे राड को जो सॉफ्ट बोल रहा है उसको हम बोलते हैं स्टीम। ठीक है, तो इसी स्टीम को क्या है, चूंकि पूरा लंबा होता है तो बीच में क्या होता है, सीलिंग से तो जोड़ने के लिए एक यहाँ पे सीलिंग लगी होती है जो मूव कराता है, जो क्या होता है, मूव करता है। जैसे आप जब वाल को अप या डाउन करते हो, सेम ऐसे ये डिफरेंट आपका स्टीम, सीलिंग हो गया, पिन हो गया, डिस्क तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब यही सेम वही पार्ट, ये भी दिया डिस्क, जिसको इसको बोलते हैं सीट, जैसे मैंने बताया लाइनिंग वाला ये होता है, रिंग विंग बताया ही आपको, वही इस पे लगाया गया रहता है। अपर सॉफ्ट जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया, देखिए सेम यही है। तो इसमें क्या है, पूरा डिटेल आपको दिखा दिया है, क्या कर दिया, डिटेल सब यही है। मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, अगर आपको स्क्रीन सारा इंटरनल पार्ट दिखाया, देखिए इस पूरे को बॉडी बोलते हैं, इसके अंदर के जो सॉफ्ट दिखा रहे स्टीम है, ये आपका रबड़ का जो लगा है, याद रखिए उसको रबड़ सील बोलते हैं। ये डिस्क जो अप या क्लोज और ओपन हो रहा है, ये देखिए ये जो क्लोज और ओपन हो रहा है इसको, ये आपका ये आपका डिस्क है, यही आपका ओपन और क्लोज होता है। इसके क्या ऊपर क्या लगा होता है, रबड़ लगा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपका इंटरनल पार्ट है। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्ट्स ऑफ बटरफ्लाई वाल्व। अब हम बात कर लेते हैं आपका प्रिंसिपल, ये क्या रहा पार्ट्स, अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल। चलिए, और प्रिंसिपल में ही चर्चा कर लेंगे हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का। चलिए, जैसा कि मैंने पहले से लिख रखा है ताकि फिर हमको बोर्ड पे जाना पड़ता तो ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता। देखिए ये मैंने लिख रखा है आपको समझाने के लिए, बटरफ्लाई वाल्व का प्रिंसिपल। ठीक है, किस पे वो काम करता है, देखिए दी बटरफ्लाई वाल्व ऑपरेशन बेस्ड ऑन द क्विक सेटअप प्रिंसिपल। मतलब कि बटरफ्लाई वाल्व जो है, ये आपका जो बटरफ्लाई वाल्व है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, क्विक सेटअप पे। किस पे काम करता है, क्विक सेटअप क्या होता है, क्विक सेटअप ये होता है कि जब हम गेट वाल ग्लोब वाल की बात करते हैं तो उसके कंपेयर में बहुत जल्दी मूव करता है, अप और डाउन यानी होता है, या केवल 90 एंगल पर ही होता है। तो ये किसके सेटअप प्रिंसिपल पर काम करता है, क्विक सेटअप यानी जल्दी, एज टू कंपेयर गेट वाल और ग्लोब वाल के कंपेयर में क्विक सेटअप के प्रिंसिपल काम करता है, यानी जल्दी ये अप सेट होता है और ओपन होता है, दोनों होता है। ठीक है, आई भाषा में ये आपकी प्रिंसिपल हो गई। अब हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग इसकी क्या होती है, देखिए ये क्या होता है बटरफ्लाई वाल्व, जैसा कि मैंने आपको बताया ही हैंडविल या लीवर लगा होगा, जिसको हम ऐसे ओपन करेंगे 90 एंगल पे। याद रखिएगा पहली बात, जो बटरफ्लाई वाल्व है ये क्वार्टर टर्न मोशन के अंतर्गत आता है। अभी तक आपने देखा रोटरी मोशन, लीनियर मोशन, गेट और ग्लोब वाल्व की जब चर्चा कर रहे थे, बटरफ्लाई वाल्व जो है आपका क्वार्टर टर्न मोशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए हमें इसका हैंड या तो हैंडविल का आप लोगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और या तो आपका ये जो आपका हैंडल ये दिख रहा है, आपका हैंडल, इसके थ्रू आप इसको ऑपरेट करोगे, ओपन और क्लोज करोगे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका, और यही डिस्क जो आपका ऐसे मूव करता है, तो आपका ऐसे सीधे देखिए वो ये ओपन पोजीशन में, जैसे हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको 90 एंगल पर ऑपरेट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो ये रही इसकी सिंपल सी वर्किंग, आई बात समझ में। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि बटरफ्लाई वाल्व की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। उसके पहले एक मैंने बहुत प्यारा सा आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, वो भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए बटरफ्लाई वाल्व को दबाने के लिए लीवर और हैंडल को एक साथ दबाते हैं, तो आप जानते ही हो। बटरफ्लाई वाल्व की कुछ विशेषता भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कम्पैक्ट लाइट वेट डिजाइन, आप बात कर सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। बटरफ्लाई वाल्व की क्या होती है, बहुत हल्की होती है। ठीक है, टू कंपेयर अदर के,
इसमें क्या होता है लो ऑपरेशन, मतलब लो ऑपरेशन टार्क, मतलब इसमें कम बल लगाना। जब आप देखते हो गेट और ग्लोब वाल्व को क्या करते हो, क्लोज करते हो या फिर ओपन करते हो, तो क्या देखते हो ज़्यादा बल लगता है एज टू कंपेयर। बट बटरफ्लाई वाल्व में क्या होता है, ऐसे बस हैंडल और लीवर को पकड़ो और क्या करो स्वप करो, वो भी कितना, बस 90 एंगल पे, ज़्यादा आपको दूर नहीं है। इसमें क्या होता है पूरा 360 एंगल पे आपको राउंड अप करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, या आप एडवांटेज लिख सकते हो, नीड मिनिमल प्राइमरी स्पेस। अगर पाइपिंग में इसमें बहुत कम, अगर अगर मान लो 3 इंच का ये वाल है, कौन सा बटरफ्लाई वाल, और सेम गेट वाल है, तो गेट वाल ग्लोब वाल के कंपेयर में ये एरिया आपका यानी बटरफ्लाई वाल कम एरिया लेगा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल यानी दोनों दिशाओं में। गेट वाल में क्या होता है, उसका अपने फिक्स हो जाएगा कि आपका जिधर गेट वाल का डिस्क होगा, अगर ग्लोब वाल का डिस्क या गेट वाल का, उसकी के अपोजिट साइड में आप फ्लूड को फ्लो कराओगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों दिशाओं में आप फ्लूड का क्या कर सकते हो, फ्लो करा सकते हो 100% टाइट सेटअप, यानी कि मतलब बिल्कुल मजबूत ये बंद होता है। एक्सीलेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, यानी मैकेनिकल क्षमता इसकी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, मैकेनिकल मतलब जो कोरोजन की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी स्ट्रेंथ की, मजबूती की, वो बिल्कुल 100% होती है। यूवी सेटेबिलिटी के लिए बहुत है, हम जो कंट्रोल वाल की बात करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर वनली एक क्वार्टर टर्न इज नीडेड टू ऑपरेटर द वाल, अर्थात वाल को खोलने के लिए केवल 1/4 प्रयास करना पड़ता है, यानी केवल 90 एंगल। बात वही हुई जो मैंने की पर चले जाता है। अब ये बताइए, मिनिमम मेंटेनेंस है, सिंपल सी बात है, जिसमें ज़्यादा कोई पार्ट नहीं देखने को मिल रहा है गेट वाल ग्लोब में, इसीलिए इसका मेंटेनेंस कास्ट भी कम है, और जब मेंटेनेंस मिनिमम होगा तो कास्ट भी सस्ता होगा। अब आप बात कर सकते हैं कि हो सकता है, अब यहाँ से डिसएडवांटेज की बातें हो, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट लोड एप्लीकेशन, ये हो सकता है डिसएडवांटेज, आप लिमिटेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लिमिटेशन किसका, डिस आपके बटरफ्लाई वाल का। इसकी डिसएडवांटेज आप ये बोल सकते हो कि इसमें क्या, ये बटरफ्लाई वाल का बेसिकली आप यूज वहाँ बस कर सकते हो जहाँ पे जो लोड हो वो वेरी ना करे, यानी जो लोड हो क्या हो, कांस्टेंट हो, ये याद रखिएगा, ये आप एक लिमिटेशन या डिसएडवांटेज बोल सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है, थ्रोटलिंग वाल के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन याद रहे थ्रोटलिंग वाल के लिए बार बार अप डाउन नहीं करना है, एक जहाँ भी लगाना है आपको जितनी परसेंट की वाल की ओपनिंग करनी है, 35%, 4%, 5%, जितनी 60%, वो आप एक फिक्स कर दो, मतलब कांस्टेंट कर दो, बार बार वेरी नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, जो डिस्क है आपका वो डैमेज होने की संभावनाएँ हो सकती हैं। जो मैंने बात किया बेसिकली देयर आर 4 कंपोनेंट, वो मैंने बता ही दिया आपको, स्टीम क्या होता है जो इसके थ्रू आपका डिस्क लगा होता है, सीट क्या होता है जो आपने डिस्क को देखा ऊपर लगा है, बॉडी मैंने बताया ये डिस्क जो ओपन और क्लोज होने का काम करता है। ठीक है, बटरफ्लाई वाल्व कैन बी यूज फॉर बैक फ्लो प्रिवेंटेशन। याद रखिए बटरफ्लाई में एक और विशेषताएं हैं, ये कभी कभी बैक फ्लो यानी रिवर्स जो फ्लो हो जाता है उससे भी आपको बचाता है, कौन, बटरफ्लाई वाल्व। ये बहुत ही लार्ज साइज में भी अवेलेबल है, लेस नंबर पार्ट हेंस रिड्यूस, इसमें बहुत कम पार्ट आपको देखने को मिलेंगे मैकेनिकल, इस अतः अगर कम पार्ट हैं तो इसके मेंटेनेंस कास्ट भी कम ही आएगी। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके बटरफ्लाई वाल के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक थे, जो कि सेम वही है, ये भी वही चीज़ें लिखी है, बट उसमें मैंने हिंदी में कवर करके आपको अच्छे समझाने की कोशिश की। डिसएडवांटेज की जैसे मैंने आपको बताई कि थ्रोटलिंग सर्विस में इसकी लिमिटेड है, ये मैंने आपको बताया ही, डिस्क मूवमेंट में इसकी अफेक्टेड होती है, याद रखिए बार बार आप अगर आप वो करते हो इसी, क्योंकि टर्बुलेंसी क्रिएट होती है, टर्बुलेंसी क्रिएट होने की वजह से इसका डिस्क डैमेज होने की संभावनाएं हो सकती हैं। पुअर सेलिंग होता है, नॉट सुटेबल फॉर हाइट, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेशर आप बार बार हाई नहीं कर सकते, यानी आप बोल सकते हो हाइट डिफरेंशियल प्रेशर के लिए, डिफरेंशियल याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि हाई प्रेशर की बात हो रही है, हाइट डिफरेंशियल प्रेशर मतलब ऐसा प्रेशर जो डिफरेंस हो, कभी 10 kg, कभी 2 kg, कभी 4, वहाँ के लिए क्या हो है, डैमेज कर सकता है। तो ये था आपका क्या, बटरफ्लाई वाल्व, और बटरफ्लाई वाल्व से मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर ली। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए ऐसे ही।